पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम आ गया, लगता है फोन की एक्सपायरी डेट आ गया, फोन एक्सचेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बीपार्टी की यूट्यूब चैनल को, लेकिन जो बेल आइकन होती है ना घंटी, छोटी सी घंटी, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेट नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से उन तक यार बीपार्टी की हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है। सो हेलो दगड़ियों, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। तो भाई जो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 12 बजे से। आज का ब्लॉग भी बी पहाड़ी लेट ही स्टार्ट कर रहा है। और बात की जाए यार आज के मौसम की, तो आज मौसम बड़ा ही गजब का हो रखा है। सुबह से धूप खिली हुई है, ये देखो चटकताल वाली धूप बोलते हैं हम इसे, चटकताल वाली धूप लगी हुई है सुबह से। और एक उटिंगी आ रखा है यार, उटिंगी गिरेगा ना वैसे भाई। अरब हाई बोल, तो हाई बोल, अरब हाई बोल, उटिंगी उटिंगी हाई बोल, हाई बोल, हाई बोल, हाई बोल, अरब गिरेगा ना वहाँ से, गिरेगा 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 नीचे। सो मस्त वाली धूप लग रही थी, तो हमने सोचा यार आज क्यों ना धान बाहर निकाली जाए। जिस धान के मंडाए हमने कब के कर चुके हैं हम भाई साहब, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं तब से हमने सुखाने नहीं डाला है, बस 2 बार सुखा रखा है उसका, और एक मंडवा भी निकाल रखा है यहाँ पर। सो आज लास्ट दिन है यार उसको सुखाने का, धान को सुखाने का। उसके बाद उसमें जो हल्का फुल्का भूसा होगा उसे अलग करना है आज शाम को मुझे, और उसके बाद उसे कट्टे में रख के घर के अंदर रख देना है। उसके बाद जो कोदा वगैरह है इसकी कुटाई वगैरह भी करनी है। शायद अगर आज शाम तक ढंग की धूप रही तो ये कोदा भी सूख जाएगा, कल इसकी कुटाई भी कर देंगे, कुटाई मंडाई भी कर देंगे। 2-3 दिन से बोल रहा हूँ इसकी कुटाई करनी है करनी है करनी है, धूप ही नहीं लग रही है, बारिश आ जा रही है तगड़ी वाली, भाई साहब अचानक से बारिश हो जा रही है। ओए ओए अरब क्या चक है, हैं हाँ ची 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 अरब, पहले भी तोड़ दिया तो ना, फिर तोड़ेगा उसको, 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 कर 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 हाय बोलती, हाय बोलती। अरे देखो ये रहा हमारा कुदेट मंडवे की घास, और जो सारी घास है ना इसे नीचे पेड़ पर लगाने का हौसला, लेकिन नीचे हम पेड़ हैं यहाँ पर, उन पेड़ों पे लगा दिया जाता है इसको, और उसके बाद ना और घास आएगी इस गौशाला में, और जो सारी घास ना उसके बाद घास वगैरह जो भी होगी सारी इस खंभे पे लगानी है, जो ये खंभा काट रखा है ना हमने यहाँ पर, इस पर लगाई जाती है ऊपर तक भाई लास्ट तक। और जो ये इस साइड के खेत दिख रहे हैं ना, इनमें हल लगा लिया है लोगों ने, अब कुछ दिन बाद इनमें गेहूँ जौ की बुताई कर लेंगे लोग कुछ ही दिन में इन खेतों में। अभी तो लगभग सबका हल लग चुका है, कोई कोई खेत छूट रखे होंगे, पहले हल लगाया जाता है उसके बाद दोबारा हल लगा के बुताई की जाती है गेहूँ जौ की। और हमारा तो अभी यार 1-2-3 दिन के लिए और रह रखा है हल लगाना, उसके बाद होगी हमारी भी गेहूँ जौ की बुताई स्टार्ट, मतलब शुरू से फिर से हल लगाना है और गेहूँ जौ की बुताई करनी है। सो यार दोस्तों अभी शाम के बज चुके हैं 4 और आसमान में बादल देखो भाई साहब, खतरनाक वाले बादल छा गए भाई, फिर से अंधेरा हो गया बिल्कुल। और एक मंडवा भी अंदर रखना है कोदा, और जैसे कि मैंने बताया था कि यार जो ये हमारी सट्टी है धान है इनमें जो भूसा है उसे अलग करना है, थोड़ा बहुत भूसा बचा हुआ है उसे अलग करके अंदर रख देना था, लेकिन आसमान बारिश देखो, और आसमान देखो इतना अंधेरा ना यार, क्या भाई साहब एकदम से मौसम चेंज हो जा रहा है। देखता हूँ यार अगर बारिश नहीं आएगी तो एक काम करना है मुझे अभी यार, पंखा भी निकाल लिया था मैंने, इन्हें यहाँ पर भी रख दिया था, अचानक से देखो हल्की हल्की बारिश की बूंदी आने स्टार्ट होगी। तो फाइनली यार ये सट्टी का बुखा मैंने अलग कर लिया है, इतना सा हुआ और थोड़ी सा और बचे हुए थे, लेकिन देखो कैसी वाली बारिश आ गई, तब तक धूप भी लगी हुई है और बारिश भी हो रही है अभी साथ साथ में, देखो क्या गजब वाला मौसम हो रखा है यार। उस साइड पे तो नहीं लग रखे है, देखो उधर से सूरज निकल रखा है फिर भी बारिश हो रही है, देखो हमारी चौक भी गीली होगी। सो गाइस फाइनली मेरा काम निपट चुका है और अब बैठ चुका हूँ अपने एडिटिंग सेटअप पे, अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। और मेरे जो फोन का कैमरा है ना, पता नहीं आजकल लैग क्यों कर रहा है यार, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, जैसे मैं कैमरा ओपन कर रहा हूँ बहुत टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में, और जैसे मैं कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाले जो 5-10 सेकंड है ना, पता नहीं उसमें वॉइस ही कभी गायब हो जा रहा है, कभी बीच में लैग देखने को मिल जा रहा है। तो
दोबारा दोबारा रिटेक लेना पड़ रहा है मुझे, वीडियो देख देख के शूट करना पड़ रहा है, तो आजकल बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है मेरे को ब्लॉग शूट और एडिट करने में। और जब मैं दिन भर पूरा ब्लॉग शूट करके एडिटिंग करना स्टार्ट करता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि भाई साहब कितने वीडियो मेरे खराब हो रही, कितने वीडियो में वॉइस नहीं आ रही, कितने वीडियो लैग कर रहे हैं, बीच में जर्क आ रहा है, बीच में ऐसा जक करके रुक रही है। जिस टाइम मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम तो कुछ पता लग नहीं रहा है, जब मैं बाद में एडिटिंग कर रहा हूँ तो उस टाइम में पता चल रहा है। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम आ गया, लगता है फोन की एक्सपायरी डेट आ गया, फोन एक्सचेंज करना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी एक्सचेंज नहीं करूंगा भाई साहब फोन, अभी तो इस फोन से 50 से 60 ब्लॉग मुझे और अपलोड करने, उसके बाद देखी जाएगी कि फोन एक्सचेंज करना है नहीं करना है। फिलहाल तो मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद उसे अपलोड कर लेता हूँ। और ये वाला ब्लॉग यार मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आजकल कुछ ज़्यादा लंबे ब्लॉग नहीं बन पा रहे क्योंकि आजकल उतना अच्छा कंटेंट नहीं बन पा रहा है, घर पे ही काम काज है, उसी के ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो यार सबसे पहले तो यार आप लोग एक काम करो, इंस्टा पे जाओ और वहाँ जाके बी पहाड़ी को फॉलो कर दो। उसके बाद अगर आप लोग नए हो बी पहाड़ी की यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे एक लाल वाला बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उससे क्लिक कर दो और साइड में एक छोटी सी घंटी दिख रही होगी उस पर क्लिक करो और उसे ऑल पे या सभी पे सेट कर दो, ताकि आप लोगों तक बी पहाड़ी की आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बी पहाड़ी की यूट्यूब चैनल को, लेकिन जो बेल आइकन होती है ना घंटी, छोटी सी घंटी, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेट नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से उन तक यार बी पहाड़ी की हर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जा पाती है और वो बी पहाड़ी की वीडियोज नहीं देख पाते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो घंटी का बटन ऑल पे सेट नहीं कर रखा है तो सेट कर दो, ताकि बी पहाड़ी की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड गुड नाइट। इसी टाइप से बी पहाड़ी को सपोर्ट करते रहना और देखते रहना बी पहाड़ी के ब्लॉग आगे भी इसी टाइप से।